आज हम लोग पॉलिटेक्निक 2019 का भौतिक और रसायन का प्रश्न जो है हल करेंगे, उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न है हमारा, एक बार एच ऊंचाई के खंभे के शीर्ष से छोड़ी जाती है जो जमीन तक पहुंचने में टी सेकेंड का समय लेती है, टी बाई 5 सेकेंड बाद बाल की जमीन से दूरी होगी। जमीन से दूरी पूछा है, ये खंभा हो गया, इसकी ऊंचाई कितना है एच, ठीक, और यहाँ से बाल छोड़ा जाता है, यहाँ से बाल को छोड़ा गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी समय लिया, तो कह रहा है टी बटे 5 सेकेंड बाद बाल की जमीन से ऊंचाई पूछा है। जमीन से ऊंचाई, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि जमीन से टी बाई 5 सेकेंड बाद एच डैश ऊंचाई पड़ती शीर्ष से यहाँ से बाल छोड़ा गया टी बाई 5 सेकेंड बाद यहाँ तक पहुँच गए। इसका फार्मूला होता है H1/H2 बराबर T1² / T2² होता है। H1 के स्थान पे हम पूरा एच ले लेंगे, H2 के स्थान पे H- ले लेंगे, T1² के स्थान पे T² लिखेंगे, T2 के स्थान पे T/5² लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा T² × 5 25 ऊपर हो जाएगा, T² फिर नीचे कैंसिल हो गया, बराबर 25 हो गया। तीसरा गुणा करते हैं, 25H - H H - H/25, तो H- का मान निकल गया H/25, लेकिन हमें ये वाली दूरी पूछा है जमीन से यहाँ तक ऊंचाई पूछा है, तो जमीन से ऊंचाई H - H - H/25, इसको सरल करेंगे 25 से कम 25 से एच निकलेगा 24H/25, मेरा ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन दूसरा अगला है, कांच के प्रिज्म में बैंगनी लाल एवं हरे रंग हरे प्रकाश का वेग क्रमशः VV, VR, VG है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। मतलब कांच में बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश और हरा प्रकाश तीनों प्रवेश किए, और तीनों में से किसका वेग कम है ज़्यादा है, क्या संबंध है हमें बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, हम लोग जानते हैं V बराबर होता है n λ, क्या होता है V बराबर n λ, तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका वेग जो है कम होगा, ये आवृत्ति है, आवृत्ति परिवर्तन किसी के नहीं होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे भी अनुक्रमानुपाती लेमडा हो गया, तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका वेग कम होगा, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है हम जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य किसका कम होता है, लेमडा भी बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बैंगनी के बाद आएगा हरा का, उसके बाद हरा का तरंग दैर्ध्य होगा लेमडा, इसको ग्रीन लिख दे रहे हैं, उसके बाद लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है या बहुत दूर तक जाता है लेमडा आर। तरंग दैर्ध्य जिसका ज़्यादा होगा उसका वेग ज़्यादा होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे VR, यहाँ आप लिखेंगे VG, यहाँ आप लिखेंगे VV, तो मेरा कौन सा संबंध है VV VG VR, ऑप्शन नंबर एक। 500 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेमी तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनिक तरंग को 1 किमी दूर तय करने में समय लगेगा, तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी हमारे पास नहीं है, दूरी है 1 किलोमीटर,
चाल नहीं है। इसको हम लोग टी लिखते हैं, इसको यस लिखते हैं, इसको लिखते हैं भी। यस के स्थान पर लिख एक किमी है तो 1000 मीटर हो जाएगा ये, और भी के स्थान पर यन लेमडा, यन लेमडा यन आवृत्ति होता है लेमडा तरंग दैर्ध्य, 1000 / n 500 है, लेमडा है 80 सेमी है, जिसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 80 सेमी है मीटर में से 100 मीटर में चेंज करेंगे 100 से भाग दे देंगे। अब क्या होगा, 2 शून्य 2 शून्य यहाँ से कट गया, बचा गया 1 1 कट गया, 10 है 5 है 8 है 10 है, 10 ये 10 ऊपर चला जाएगा ये वाला, गुड़े 10 नीचे 5 गुड़े 8, 5 × 10 2 × 8 10/4 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगला प्रश्न है, एक कण की 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, कण द्वारा आधा चक्कर लगाने में चली गई दूरी एवं विस्थापन में अनुपात होगा। तो चलिए देखिए, वृत्ताकार पथ यह है, यहाँ पका है केंद्र हो गया, ऐसे यहाँ से कर चलना प्रारंभ किया, बिंदु ए से मान लीजिए कर चलना प्रारंभ किया, ऐसे जा रहा है, ऐसे कर पहुँचते पहुँचते आधा चक्कर यहाँ तक पहुँच गया बी, जब आधा चक्कर पहुँच गया तो हमें क्या पूछा है, दूरी एवं विस्थापन। तो देखिए दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी दूरी हो जाएगी, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी दूरी, यहाँ पे समय लिख दे रहा हूँ, दूरी बराबर हो जाएगा मान लीजिए सी, यहाँ सी लिख दी ए सी बी, दूरी बराबर हो जाएगा, पहले अनुपात पूछा है तो दूरी बटे यहाँ मैं विस्थापन लिख ले रहा हूँ, दूरी हो जाएगा ए एस बी, ए एस बी, ए से ए सी बी, ए से सी, सी से बी, और विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ये बीच की दूरी, विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक स्थिति माने प्रारंभ में यहाँ पर था और अंतिम स्थिति माने लास्ट में यहाँ पर था, इन दोनों के बीच की दूरी तो आर है, ए भी आर है, त्रिज्या मैं आर मान लेता हूँ और आर का मान दिया है एक है, यहाँ पर एक लिख लेते हैं, यहाँ पर भी एक लिख लेते हैं, ठीक। तो दूरी कितना हो जाएगा ए बी, यहाँ पर विस्थापन ए बी हो जाएगा, दूरी ए सी बी, ए सी बी का मतलब हो जाएगा पूरा 2πr होता है तो यहाँ πr हो जाएगा, आधा पूरा 2πr तो आधा πr, और ए बी, ए बी कितना हो जाएगा 2r, r बराबर एक दिया है तो 2r, अब आर आर कैंसिल, पाई अपान 2 यानी पाई संबंधे 2, ये आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न है, दो असमान समांतर बल 2 न्यूटन और 16 न्यूटन एक 21 सेमी लंबी छड़ के सिरों पर कार्य कर रहे हैं, बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त दोनों बलों का परिणामी कार्य है। देखिए एक छड़ है, ये छड़ यहाँ पे ए मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ बी छड़ का सीधा ए, ठीक, एक छड़ है ए, इसका ए वाला सीधा ए, इसका ए वाला बी, ठीक। अब कह रहा है कि एक तरफ 2 न्यूटन, एक तरफ 2 न्यूटन का बल और एक तरफ जो है 16 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहाँ पर उक्त दोनों बलों का परिणामी कार्य करेगा। इसमें क्या है, देखिए कि अब हम जैसे कि यहाँ पे बैलेंस बनाएंगे, बीच में नहीं बनेगा क्योंकि इधर बल ज़्यादा है इधर कम है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस पॉइंट यहाँ मान लेते हैं सी, ये हो गया सी, सी क्या है संतुलन, संतुलन बिंदु, यहाँ पे जो है दोनों बलों परिणामी कार्य कर रहा है सी पर, ठीक है, इसको हम लोग आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आर, आर का अब देखिए ये पूरा 21 सेमी है, पूरा कितना है 21 सेमी है, पूरा 21 सेमी, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा
21 माइनस एक्स, तो सूत्र होता है यह वाला बल लेंगे तो यह वाला दूरी लेंगे, संतुलन की स्थिति में दो ये वाला बल लिए 2 न्यूटन, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक लेंगे एक्स, 16 न्यूटन का बल लेंगे तो दूरी मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा, जैसे आप गुणा कर दीजिए 16x = 42 - 2x, इसको इधर भेजते हैं 16x = 42 x, इसको इधर भेजते हैं, ₹42 18 19 2.33 सेमी, तो 2.33 सेमी नहीं दिया, दो ऑप्शन नंबर दो सही होगा, इसी ही तरीके है। ठीक, अगला प्रश्न है 6 किग्रा तांबे का तापमान 10 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की 3 किग्रा शीशे का तापमान 20 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक करने में आवश्यकता होती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 हो तो शीशे की विशिष्ट ऊष्मा क्या चाहिए। इसमें देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितने की शीशे, मैंने तांबे का तापमान 10 से 20 करने में जो ऊष्मा मुझे प्राप्त हुआ उतना ही ऊष्मा शीशे का तापमान 20 से 100 तक करने हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, क्यू ताबा माने ताबे के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर क्यू शीशा, तो क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, तो ताबे को हम लोग सी लिख लेते हैं एम सी एस सी डेल्टा टी सी, शीशा के लिए लिख लेते हैं एम जी एम जी एस जी और डेल्टा टी जी, अगर ये सब नहीं समझ तो 111 लिख लो, एम वन के स्थान पे लिखेंगे ताबा का 6 है, इसका विशिष्ट ऊष्मा है ताबे का 0.09, डेल्टा टी मतलब 20 में से 10 घटा दीजिए पूरा 10, एम जी इसका कितना है शीशे का 3 किग्रा, एस जी इसका कितना होगा 20 से 100 तक बढ़ा गया तो 100 में से 20 निकाल दिए 80, डेल्टा टी जी एस जी पूछा है डेल्टा टी जी के स्थान में 100 में से 20 निकाल देंगे 80, अब क्या होगा एस जी बराबर 6 × 10.09 × 10/3 × 80, 1 0 1 0 3 2 6 2 4 8, एस जी बराबर 0.09/4, भाग करते हैं 0.90 में भाग देंगे तो आएगा 0.0225, ऑप्शन मेरा क्या है ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4×10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, प्रोटॉन पर आरोपित बल है, तो देखिए पहले बी का मान कितना दिया है 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वी का मान कितना दिया है 4×10⁵ मीटर प्रति सेकेंड और प्रोटॉन पे आवेश कितना दिया है क्यू क्यू लिखो चाहे ई लिखो, वैसे प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, थीटा दिया है 0, क्षेत्र के समांतर है ना थीटा 0, लंबवत होता है 90, तो यह बराबर होता है सूत्र यह पूछा है क्यू वी बी साइन थीटा,
थीटा के स्थान पे जीरो है तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, क्यू वी बी साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो बराबर जीरो, जीरो न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। चलो चलो अगला प्रश्न है, 60 सेंटीग्रेड ताप के 100 ग्राम पानी को 55 सेंटीग्रेड वाले 180 ग्राम पानी मिलाया जाता है, मिश्रण होता है। अब देखिए पहले पानी की ताप कितना था, 60 सेंटीग्रेड, इसको मिलाया किसमें गया है 95 सेंटीग्रेड, और जब मिश्रण का जो ताप होगा 60 से अधिक होगा 95 से कम, क्योंकि ये ठंडा है गर्म है दोनों को मिलाएंगे तो गर्म से थोड़ा हल्का और ठंडा वाले थोड़ा ज़्यादा तापमान होगा, तो मिश्रण का तापमान हम लोग मान लेते हैं टी, ये मिश्रण है ठीक। मिश्रण का तापमान क्या है, दी गई उष्मा, ये उष्मा देगी क्योंकि इसका तापमान ज़्यादा है, या उष्मा लेगी तो दी गई उष्मा, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, दी गई उष्मा, ये कैलोरी मिति का सिद्धांत है, कैलोरी मिति का सिद्धांत है, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, दी गई उष्मा को हम लोग Q1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q2, Q1 के स्थान में M1 या समान डेल्टा T1, इसको लिखेंगे M2 S2 डेल्टा T2, ये जल है या भी जल है या भी पानी है, या भी पानी है तो दोनों का विशिष्ट ऊष्मा बराबर होगा, दोनों पानी है इसलिए दोनों का विशिष्ट ऊष्मा एक ही होगा, S1 S2 कैंसिल हो जाएगा, S1 बराबर S2 इसलिए S1 S2 आपस कैंसिल, M1 के स्थान लिखेंगे 100 डेल्टा T1, डेल्टा T1 कैसे निकालेंगे, M1 के स्थान पर लिखेंगे 180 क्योंकि हम 95 वाले को 180 माने तो यहाँ पे 180 होगा, डेल्टा T के स्थान पर लेंगे पहले 95 था बाद में T हो गया तो 95 माइनस T, 95 माइनस T, ये बड़ा है छोटा है, ये छोटा है इससे छोटा ये है, M2 के स्थान लिखेंगे 100 डेल्टा T2 के स्थान क्या लिखेंगे, 60 से T हो गया तो 60 से अधिक है तो इसमें से इसको घटाएंगे T माइनस 60, आप ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पर 95 में से T घटाए थे क्योंकि यहाँ पे बड़ा था और T छोटा, और यहाँ पर जो है यहाँ इन दोनों में T बड़ा है 60 छोटा है, इसे T माइनस 60, अब क्या होगा, एक जीरो यहाँ से काट दे रहे हैं, 2 5 10 2 9 18 9 5 45 9 9 81 4 85 माइनस 9 T बराबर 5 T माइनस 300, इसको उधर उसको इधर करते 855 माइनस 300 बराबर 5 T प्लस 9 T बराबर 14 T, तो T बराबर हो जाएगा इसको घटाइए 5 और 5 8 5 बराबर 14 T, T बराबर हो जाएगा 5 5 5 5 14 14 42 13 5 14 9 126, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस 300 है तो यह इस साइड है प्लस हो जाएगा, 11 55 हो जाएगा, 11 55 यहाँ पर भी 11 55 और 14 28 112 3 5 14 2 28 7 0 14 25 70 14 25 70 82.5 ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफेरड है, यदि इसमें 108 माइक्रोकूलाम का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो देखिए क्या होता है फार्मूला, वी बराबर होता है सी, क्यू बराबर होता है सी वी, क्यू बराबर क्या होता है सी वी, वी पूछा है वी बराबर जाएगा क्यू अपान सी, क्यू क्या होता है आवेश, सी होता है धारिता, और वी क्या होता है प्लेटों के बीच विभवांतर, क्यू के स्थान पर लिखेंगे 108 माइक्रोकूलाम है, 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10^6 कूलाम, 1 माइक्रोफेरड होता है 10^6 फैरड, तो माइक्रोकूलाम है तो उसको कूलाम करेंगे तो 10^6 कूलाम, और
धारिता, धारिता 3 माइक्रोफैराड है, 3×10^6 फैराड या इसे कैंसिल हो गया, 3×9=18 36 वोल्ट ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4 सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है g=gme/re2। ये सूत्र होता है पृथ्वी को गोलाकार मानकर यह सूत्र बनाया गया है। जी सारथी गुरुत्वाकर्षण ये तांग होता है, me माने अर्थ का द्रव्यमान, पृथ्वी द्रव्यमान, re पृथ्वी त्रिज्या, ये सूत्र होता है। और देखिए 4% सिकुड़ जा रहा है, मतलब त्रिज्या 4% कम हो जा रहा है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब यह अचर हो गया, या अचर अचर या अचर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, g=gme re-2। इसको त्रुटि के रूप में लिखते हैं, त्रुटि के रूप में देखिए कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिए। जैसे g है जिसको त्रुटि के रूप में लिखें तो ∆g/g, ये भिन्नात्मक त्रुटि है, ये क्या है, भिन्नात्मक। देखिए यहाँ परसेंटेज दिया है तो पहले भिन्नात्मक त्रुटि में लिखते हैं, उसके बाद प्रतिशत में बताते हैं। यह अचर है या अचर, इसका लिखेंगे ना, इसका लिखेंगे, एक हाथ है साइड में हो जाता है, ऋण रहेगा तभी धन लिखेंगे और धन रहेगा तभी धन लिखेंगे, आर ई यथा में ∆re/r लिखेंगे। फिर से एक चक्कर सुन ले कैसे लिखा गया है, g=gme/re2, re को ऊपर भेज दीजिए, भेज देंगे हम, देखेंगे कौन कौन सा अचर है। जी तो अचर है, ये है द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं गया इसलिए अभी अचर हो गया, आर ई ऊपर भेजे re-2, इसको भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में कैसे लिखेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि, ये पूरा सिस्टम क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि में लिखना है, ∆g/g·100/2·re·re·100, फिर हो जाएगा 2 × इसका मान दिया है 4%, हो जाएगा 8%। अगला प्रश्न है, 6 किग्रा द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल F के विरुद्ध 54 न्यूटन बल द्वारा एक खुरदरी सतह पर खींचा जाता है, ब्लॉक का त्वरण 6 m/s² हो तो F का मान, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक ब्लॉक है, इसको ब्लॉक मान, ब्लॉक है, यहाँ पे 54 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और घर्षण बल F लगाया जा रहा है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत होता है, गति के विपरीत दिशा घर्षण बल होता है। उसके बाद ब्लॉक 6 m/s² के त्वरण से आगे बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब गति होती है तो परिणामी बल से होता है, किस बल से होता है, परिणामी बल। देखिए एक चीज, गति इधर हो रही है, गति जिधर गति होगी उधर का बल बड़ा होगा, अगर इधर गति होती तो यह वाला बल बड़ा होता, इधर गति हो रही है इसलिए इस बल, यह वाला बल बड़ा होगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये वाला बल बड़ा, ये वाला बल बड़ा है, ये वाला बल छोटा है, और परिणामी बल निकालना है। तो परिणामी बल का सूत्र होता है, परिणामी बल बड़ा था एम ए, क्या होता है एम ए, और परिणामी बल कैसे निकलेगा, 54 न्यूटन इधर या फिर इधर, तो 54 − F हो जाएगा ये एम ए, सारा मान दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेते हैं 54, इसको इधर करेंगे −ma = F, यही पूछा है 54 − M के स्थान पे 6, A के स्थान पे लिखेंगे 6 = F, 54 − 36 = F, फिर F बराबर हो जाएगा 14×6 = 8, 14×6 = 8, 4×3 = 18, 18 न्यूटन, 18 न्यूटन है ऑप्शन डी। हाय, एक LCR परिपथ के सिरों के बीच 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL एक कुंडली के कारण होता है, प्रेरण प्रतिघात, और धारिती प्रतिघात XC,
20 ओम, ओमी प्रतिरोध 5 ओम, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, प्रतिबाधा बराबर होता है अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान रखिए एक्सएल के स्थान पे क्या होता है 20 माइनस एक्स सी के स्थान पे 20 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, या 0 हो गया 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल 5 ओम, 5 ओम ऑप्शन नंबर ए। 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, प्रतिरोध के सिरों का भी विभवांतर, देखिए आर दिया है, आर बराबर 4 ओम है और यहाँ प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा है, जिसको हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य प्रति सेकेंड जो ऊष्मा होती है उसको हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, 100 जूल प्रति सेकेंड लिखें या 100 वाट। और भी पूछा है, सूत्र होता है भी बराबर पी बराबर भी स्क्वायर बटे आर, तो भी पूछा है तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर पी आर, और भी बराबर हो जाएगा अंडर पी आर, ये सूत्र याद कर लीजिए, भी बराबर अंडर रूट पी के स्थान पर लिखेंगे 100 और आर के स्थान लिखेंगे 4, 100 का वर्गमूल 10 और 4 का वर्गमूल 2, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट ऑप्शन नंबर डी। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, मतलब दो प्रतिरोध उन्हें श्रेणी क्रम संयोजित किए गए तो तुल्य प्रतिरोध 50 ओम, जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, इन प्रतिरोधों का मान होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए होता है, श्रेणी क्रम के लिए होता है आर 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 वन प्लस आर टू, आर के स्थान क्या लिखेंगे 50 बराबर आर वन प्लस आर टू, ध्यान दें आर वन प्लस आर टू बराबर 50। समांतर क्रम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, समांतर क्रम के लिए ए बटे आर बराबर ए बटे आर वन प्लस ए बटा आर टू, ए बटे आर के स्थान लिखेंगे 8 बराबर प्लस लेंगे आर वन आर टू, यहाँ प्लस ले लेंगे आर वन और आर टू प्लस सही हो गया, एक कट गया आर टू बचा, आर टू का आर टू प्लस आर टू कैंसिल हो जाएगा, आर वन एक आर वन, इसके स्थान क्या लिखेंगे, इसका मान दिया है कितना दिया है 50 बटे आर वन आर टू, इसी गुणा करो इसका इसमें इसका इसमें, अब इसके स्थान पे आ हो गया इसलिए अब इससे इससे मतलब होगा, ये यहाँ यहाँ आर वन आर टू बराबर 45 40 400, ये समीकरण नंबर 2। अब हमें इसमें से ऐसा युग्म खोजना है कि गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने पर 50, तो जोड़ने 50 ये आ रहा है लेकिन गुणा करने पर 400 नहीं आएगा, इसलिए कट ये वाला ऑप्शन गलत, जोड़ने पर 50 आ रहा है, अगुड़ा करने पर 40 दाम 400, यही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, पत्थर के गिरने के दौरान पत्थर का वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है, जमीन पर टकराते समय पत्थर का वेग एवं लगा समय होगा, ध्यान से देखिए यह त्वरण है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, गया। नीदा हो गया तो जो है ऊंचाई 20 दिया है और वेग मतलब त्वरण, त्वरण है ए बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुरुत्वीय त्वरण है, तो वेग पूछा है जमीन पर गिरते समय, यहाँ से छोड़ा गया 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ा गया है और जमीन पर गिरते समय वेग पूछा है समय पूछा है, तो सूत्र देखो क्या होता है,
न्यूटन की गति के 3 समीकरण है, उसमें से हम लोग जो है पहले तो दूसरा समीकरण लगाते हैं, एच बराबर यूटी प्लस ए बटा 2 जी टी स्क्वायर है, जी को चाहे ए को, यहाँ पर ए बराबर जी भी लिख दिया, जी टी स्क्वायर ऊपर से नीचे आया जी गया, एच के स्थान पर लिखेंगे 20, यहाँ 0 गुणे टी प्लस 1/2 जी 10 टी स्क्वायर, 20 बराबर ए 5 हो गया, 5 टी स्क्वायर बराबर ए पूरा है नीचे आएगा भाग, 20 बटे 5 बराबर 4 टी स्क्वायर, टी बराबर हो जाएगा अंडर 4 2 सेकेंड, टी बराबर हो जाएगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में देखिए 2 में है, इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों क्यों कैंसिल। अच्छा हमें वेग भी चाहिए, तो वेग कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण तीसरा है, तो वी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ 0 स्क्वायर प्लस 2 जी के स्थान 10 एच के स्थान पे 20, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 दूना चाहिदा में 400, तो वी बराबर अंडर रूट 400, इसका वर्गमूल 2 इसका 0, 2 0 है तो 1 0, 4 वर्गमूल 2 एच वी बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, वी के स्थान पर 20 मीटर पर सेकेंड और पी के स्थान पर 2, ऑप्शन नंबर डी। एक 20 फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक सेकेंड में 103 वेबर से घटकर 0 रह जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इसका सलूशन है प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर माइनस यंग डेल फाई अपान डेल टी, डेल फाई अपान डेल माइनस एन के स्थान क्या लिखेंगे 20 डेल फाई, मतलब 0.3 से 0 हो जा रहा है, कितना परिवर्तन होगा, 0.3 माइनस 0 अपान डेल टी एक सेकेंड में, क्या हो गया 20। अच्छा एक बात, पहले फाई वन यह था, फाई वन यह हो गया, क्या हो गया फाई टू, क्या हो गया फाई टू, फाई वन 0.3 है, फाई टू 0 है, अगर आप लिखेंगे डेल फाई के स्थान पे फाई टू माइनस फाई वन, तो फाई टू के स्थान क्या लिखेंगे 0 माइनस फाई वन स्थान 0.3 अपान एक माइनस 20 गुणे माइनस 0.3 विधान 23 60 1/16 तो हो जाएगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है डी। एक 4 सेमी आकार की वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकल दूरी 15 सेमी है के सम्मुख 25 सेमी दूरी पर स्थित है, दर्पण से किस दूरी पर एक पर्दा रखा जाए कि वस्तु का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बन सके। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण एक बना लेते हैं, इसकी फोकल दूरी दिया है -15, माइनस क्यों लिए, अवतल दर्पण फोकल दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक। अब क्या करना है, इसके सामने दर्पण के ध्रुव से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, इसकी लंबाई कितना है 4 सेमी, 4 सेमी, 4 सेमी है लंबाई, इसका फोकस दूरी 15 है, इसका वक्ता केंद्र जो है 15 × 30 यहाँ पाएगा, यह सी में दर्पण की दूरी पे पर्दा रखा जाए कि इसे प्रतिबिंब बन सके, दूरी पूछा है मतलब भी पूछा है, तो यू बराबर मेरे पास है -25, एफ बराबर है -15, भी निकालते हैं तो बटे एफ बराबर होता है सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है एफ बराबर बटे भी प्लस एक बटा यू, ए बटे -15 बराबर ए बटे भी प्लस ए बटा -25, इसको इस साइड भेजेंगे, इसको ऐसे लिख सकते धन ऋण ऋण हो गया ऐसे, और इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बराबर ए बटा भी प्लस ले लीजिए 15 और 25 का लस एलसीएम 75, 15 और 25 5 5 एकम 5 धन 25 3 3 एकम 3 बराबर ए बटा भी, फिर क्या होगा -2/75 बराबर ए बटे भी,
व्युत्क्रम करेंगे तो 75/2 बराबर बी अपान 1 माने 37.5 बराबर बी, इसका इसमें भाग भी नहीं आएगा 37.5 से, ऑप्शन डी। एक गोली दर्पण में पतला गोली लेंस प्रत्येक की फोकल दूरी -15 सेमी है, दर्पण एवं लेंस होंगे। देखिए फोकल दूरी ऋणात्मक है तो फोकल दूरी ऋणात्मक अवतल दर्पण की दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, फोकस ऋणात्मक और अवतल लेंस की फोकस भी, इसका भी फोकस ऋणात्मक होता है, मतलब अवतल दर्पण भी अवतल होगा, लेंस भी अवतल होगा। तो कौन है इसमें ए, ऑप्शन बी, दोनों अवतल। किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते समय गणना द्वारा बी का मान 9.92 मीटर/सेकेंड² प्राप्त होता है, जबकि जी का प्रमाणिक मान 9.80 मीटर/सेकेंड² है, जी के मान के आकलन प्रतिशत त्रुटि। देखिए प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है प्रामाणिक मान निगेशन वास्तविक मान बटे प्रामाणिक मान। प्रामाणिक मान निगेशन वास्तविक मान बटे प्रामाणिक मान निगेशन। निगेशन मतलब होता है जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, अगर ये बड़ा है तो इसको पहले, ये बड़ा है तो इसको पहले। अब प्रश्न में देखते हैं कौन बड़ा है, ये क्या है वास्तविक मान गणना द्वारा, प्रामाणिक मान और प्रेक्षित मान होता है, प्रेक्षित मान तो प्रेक्षित मान 9.92 है और प्रामाणिक मान 9.80 है, ये बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे -9.80 अपान प्रामाणिक मान, नीचे प्रामाणिक मान कितना है 9.80, इसको घटाएंगे तो आएगा मेरा 0.12 अपान 9.80 100, ठीक 0.10 खत्म, 1200 अपान 980 भाग देंगे आएगा 2.2%। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ध्यान देखिए, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन/कूलाम ई का मान दिया है 30 न्यूटन/कूलाम और है इस बिंदु पर 20 कूलाम क्यू बराबर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल। तो देखिए यह बराबर होता है क्यू ई, बहुत सरल सवाल है, यह बराबर क्यू ई, क्यू के स्थान पे 20 और ई के स्थान पे 30 हो जाएगा, 6 × 3 = 6, 2 × 0 = 1, पहले 2 × 0 = 1, 2 और 3 × 6 = 100 न्यूटन, 6 सेमी, ऑप्शन डी। दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है, एक द्रव्यमान यहाँ है एक द्रव्यमान यहाँ है, ये r दूरी पर मान लो स्थित है, ठीक है m1 m2 करा कि इन्हीं दोनों अच्छा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल p है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कर्षण बल बराबर p, इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे से समान दूरी पर, यहाँ y था इसको पानी में रखना है, कहाँ रखना है पानी में, इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को हमें पानी में रखना है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ये पानी हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया हमारा जी क्यू। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, अगर दो द्रव्यमान के बीच बल यहाँ पे पी लग रहा है तो हम चाहे जहाँ पे लेके जाए उन दोनों द्रव्यमानों को, सभी स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही लगेगा, मतलब पी ही लगेगा, ये भी पी है इसको क्यू है, इसका मतलब पी बराबर क्यू, पी बराबर क्यू
हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सही है सी। समझ में आया ना, जैसे कि दो द्रव्यमान नो के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 10 न्यूटन है, तो उनको हम कहीं भी ले जाए, पानी में ले जाए चाहे तेल में लेके जाए, उतना ही दूरी रखें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो भी होगा वो बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ तो देखिए, एक वस्तु 12 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने स्थित है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो तो वस्तु की लेंस से दूरी है। तो लेंस से वस्तु की लेंस की दूरी उत्तल लेंस है, तो वस्तु की लेंस से दूरी जो होता है उसको यू हम लोग कहते हैं। तो यू बराबर मान लिए एक्स, ये ऋणात्मक होता है। अब वी बराबर क्या होगा, देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है, मतलब प्रतिबिंब आधा हो गया वस्तु के, जब प्रतिबिंब आधा हो जाएगा तो भी जो होता है यू का आधा हो जाएगा। जब प्रतिबिंब वस्तु का आधा होगा तो भी जो है यू का आधा होगा, तो ऋण एक्स बाई टू। एफ बराबर दिया है -12, अरे उत्तर लेंस है +12 से। सूत्र होता है लेंस का, एक लेंस का एक सूत्र होता है एफ बराबर भी माइनस एक बटा यू, ए बटे एफ के स्थान पे 12 बराबर ए बटे भी के स्थान पे ऋण एक्स बटा भी -6, ए बटे 12 बराबर हो जाएगा ऋण 2/x, ऋण धन 1/x हो जाएगा ऋण 1/x। इसी विधा कर दीजिए, एक्स बराबर 12 -12 सेमी। तो क्या पूछा है, वस्तु की लेंस से दूरी, एक्स का मान ऋण 12 है तो वस्तु की लेंस से दूरी। वस्तु की लेंस से दूरी 12 सेमी होगी, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसके सभी को नंबर दे लेंगे। लाम आवेश को अनंत से दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदु P पर विद्युत विभव होगा। देखिए क्या होता है, सूत्र विभवांतर का होता है, वी बी माइनस वी ए बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। अब अनंत से बिंदु P पर, अनंत से बिंदु P तक लाया जा रहा है, अनंत यहाँ हो गया, यहाँ प्लस कोई आवेश है क्यू नाट हो गया, क्यू नाट को हम अनंत से बिंदु P तक लाते हैं, B तक गए। अनंत पर विभव शून्य होता है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे वी बी बराबर वी बी माइनस वी 0 बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू के स्थान 200, क्यू नाट के स्थान पर लिखेंगे 10, जैसे वी बी बराबर हो गया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट ऑप्शन बी। एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है, अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डूबने पर 51 ग्राम तथा पानी में क्या है कितना है 67 ग्राम, अज्ञात द्रव का घनत्व। देखिए क्या होता है, जब पिंड को किसी द्रव में डूबोया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, और वह कमी जितना भार में कमी होता है उसका द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान में कमी होता है भार में कमी होता है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे 75 ग्राम हवा में है तो 51 ग्राम अज्ञात द्रव हो गया, तो 5 से 4 और 7 से 5 2 मतलब 24 ग्राम जो कमी आया है, तो वह 24 ग्राम उसके द्वारा जो द्रव हटाया गया होगा उस द्रव का भार भी 24 ग्राम होगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं भार में कमी, भार में कमी बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, भार में कमी हो जाएगा यहाँ पर 75 में से 75 मतलब मान लीजिए डेल्टा डब्ल्यू, भार में कमी हम लोग डेल्टा डब्ल्यू मान लीजिए, तो वस्तु द्वारा हटाए गए जो
द्रव का भार का होगा बी डी जी। तो डेल्टा डब्ल्यू भार कमी बस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर होगा बी डी जी। आयतन जो मेटल है उसका आयतन तो फिक्स होगा, जो मतलब पिंड है उसका आयतन वायु में, जल में और अज्ञात द्रव में सब में समान होगा, इसलिए कांस्टेंट हो गया वृत्ति त्वरण नियतांक। डेल्टा डब्ल्यू अनुक्रमण पथ डी, इससे हम लोग सूत्र बनाएंगे डेल्टा डब्ल्यू एल अपान डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू, एल मतलब अज्ञात द्रव, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एल बराबर क्या है अज्ञात द्रव और डब्ल्यू बराबर है वह जल, क्या है जले वाला। तो डेल्टा डब्ल्यू एल अपान डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर डी एल अपान डी डब्ल्यू, डी एल क्या है अज्ञात द्रव का घनत्व, डी डब्ल्यू का क्या है जल का घनत्व। ठीक, हम लोग क्या करेंगे इसका मान निकालना है, डी एल का मान निकालना है, डी एल का मान कैसे निकलेगा, डी एल बराबर हो जाएगा किसी गुणा कीजिए इसमें डी एल गुणा डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू एल गुणे डी डब्ल्यू, तो डी एल इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू एल गुणे डी डब्ल्यू अपान डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू। इसके स्थान पर लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू एल माने अज्ञात द्रव के भार में कमी, क्या क्या है अज्ञात द्रव के भार में कमी, के भार में कमी, ये क्या है जल में भार में कमी। हम लोग लिखेंगे 75y में था अज्ञात द्रव में 51, 75y से 51 अपान 75y में था और द्रव में जल में 67, 75-67 गुणे डी डब्ल्यू जल घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, इसमें घटाएंगे 24, इसको घटाएंगे 8, 8 + 24 3।